देश के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं एनडीडीबी के परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
आज का दिन हम याद करते हैं उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों को और महानुभावों को जिनके संघर्ष और बलिदान के कारण हमको आजादी मिली। 2020 हमारे लिए, पूरा विश्व के लिए और देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण काल रहा है। जब हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, आज के दिन हम जब कोरोना से लड़ाई करने में जो युद्ध है और युद्ध में जो शामिल है हमारी जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, सुरक्षा और पुलिस के बल हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको हम आज के दिन श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। एनडीडीबी के सभी लोगों को इस संकटमय परिस्थिति में संपूर्ण आपका जो संयम और जो धैर्य रहा है 3-4 महीने में, इसका मैं सराहना करता हूं। इस समय में जब लॉकडाउन की जो प्रतिबंध हैं ये धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है कि हम सब मिलके जो दिशा निर्देश है, अनुदेश है सुरक्षा के लिए, उसको हम लगातार पालन करते रहे। हमें इस बात का पूरा गर्व है कि एनडीडीबी के दिशा निर्देश में देश के सभी सहकारिताओं ने दूध की सप्लाई चेन और सुरक्षा और स्वच्छता को बनाए रखा है। और हम एनडीडीबी में भी टेक्नोलॉजी के सहारे इस कठिन परिस्थिति में भी हमारे जो दूध पालक हैं उनके साथ हम जुड़े हैं और उनको महत्वपूर्ण संदेश वैज्ञानिक पशुपालन सुरक्षा इत्यादि के बारे में हम अभी लगातार दे रहे हैं। आइए हम सब मिलकर आज ये संकल्प लें इस शुभ अवसर पर कि आने वाले दिनों में हम अपनी सारी नई गतिविधियों को, जैसे कि बायोगैस हो, सौर ऊर्जा हो, मधुमक्खी पालन हो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो, इन सारे नए गतिविधियों को देश भर में फैलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे किसानों को लाभ मिल सके और उनके आजीविका में वृद्धि हो सके और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर हम बना सके। इन्हीं कई शब्दों के साथ मैं आप सबको फिर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय हिंद।
तीन में डायरेक्ट चलेगा अमर चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। सब सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। एक साइट है।